हेलो गाइस, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ आलू चाट, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, उबला हुआ आलू ली हूँ 6। इसको पहले से उबाल के रखी थी मैंने, तो अब इसे मैं अच्छे से हाथ से एकदम मिही कर लूँगी। देखिए, हाथ से एकदम ही कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले में ली हूँ मैंने, देखिए, जीरा 1/2 चम्मच, और ये अदरक का पाउडर है, हल्दी है, और लाल मिर्च पाउडर है 1/2 चम्मच, और ये है हींग है थोड़ी, और ये स्वाद अनुसार नमक। अब ली हूँ इसमें हरा धनिया थोड़ी, और कटी हुई चॉप किया वाला लहसुन, और प्याज ली हूँ एक छोटे छोटे काट के। और अब ले रही हूँ हरे प्याज की पत्ते थोड़ी, और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे चीज़ को। और अब डालूंगी ये है चावल का आटा, छोटे चम्मच का 3 चम्मच है। इसे डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूंगी। देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छा एक डो बना लिया है, और इसे अब मैं पेड़े का शेप दूंगी। देखिए, इस तरीके से एक एक करके पेड़े का शेप दूंगी मैं। देखिए, मैंने 4 पेड़े का सेब ले लिया है, दे दिया है। अब चले इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने तावे बिठाई हूँ। तावे में मैंने बटर लगा रही हूँ, और इसे मैं चारों को यहाँ में फ्राई करूँगी, कम आंच में फ्राई करूँगी, पलट पलट कर फ्राई करूँगी धीरे धीरे।
देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, कितना बढ़िया से बन के रेडी है, बहुत ही बढ़िया बना है। देखिए अब इसे मैं प्लेटिंग करती हूँ। प्लेट में मैं एक आलू चाट डाल रही हूँ आलू को। अब इसे मैं हरे चटनी लगाऊंगी, हरे चटनी डालूंगी। ये पुदीने की चटनी है, हरे चटनी। और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। और अब ऊपर से मैं भुजिया डालूंगी थोड़ी। और ये इस तरीके से आप खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बच्चे भी पसंद करता है। देखिए कितना बढ़िया बना है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोगों को कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।